This conference will now be recorded. Can you hear me? Okay, great. Welcome back. I think we completed a bit on the principles of organization by Henry Seor. Is it better now? The idea of our system is clearer. जी अब बेहतर है इज इट क्लियर ना ओके ग्रेट श्योर सो लेट्स रिज्यूम द डिस्कशन हमने टेलर को डिस्कस कर लिया और हमने फ्योर को डिस्कस कर लिया टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लिंडल अर्विक अर्विक का जो मॉडल है ये बेसिकली हेनरी फ्योर के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बिल्ड करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट माइट नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं लिटिल अर्विक ने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे डिबेट की थी आई होप हमने अर्विक नहीं पढ़ा ना अभी तक वी हैव टू स्टडी अर्विक ऐसे ही ओके सो लिटिल अर्विक प्रेजेंटेड 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं Majority of the principles given by Erwick are same and coincide with Henry Fayol. जो Erwick ने principles दिए थे वो Henry Fayol के principles से काफी हद तक match करते हैं. There were some unique points which Erwick only talked about and Fayol didn't. वो हम discuss करते हैं. For example, Taylor ने कहा और उसी को Fayol ने भी justify किया कि objective होना चाहिए planning, for example. There has to be an objective. Every organization and every part of organization must be an expression of the purpose of the undertaking. Undertaking means जो भी आप decide करके चलते हैं कि आपने करना क्या है, आपके goals क्या हैं, तो आप उसको express करते हैं. क्योंकि अगर आप अपने goals को precisely define नहीं करते, तो ultimately you will be redundant. Redundant का मतलब होता है meaningless, something which has no meaning. मैं रिपीट कर दूं अर्विक ने 10 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या 10 ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं आ रही सबको डिस्टॉर्शन हर जगह पे पाई जाती है या किसी के पास क्लियर है किसी के पास क्लियर नहीं है वॉइस क्लियर नहीं है इको आ रहा है आई डोंट नो कि क्यों आ रहा है जस्ट अ मोमेंट मेरे एंड से क्लियर है वैसे यहाँ से ओके इज इट बेटर
बेहतर है। अच्छा तो अरविंद ने 10 मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या 10 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था। अरविंद ने कहा था कि हर इदारा जो है उसके 10 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल उसके गोल्स पे बेस करता है, गोल होने चाहिए पूरे इदारे के भी और डिपार्टमेंट के भी। अगर गोल्स नहीं होंगे तो इदारा भी रिडंडेंट है और डिपार्टमेंट भी रिडंडेंट है। ठीक है, इदारा भी रिडंडेंट है और डिपार्टमेंट भी रिडंडेंट है। स्पेशलाइजेशन की बात हम पहले कर चुके हैं। स्पेशलाइजेशन मींस इंडिविजुअल की एक्टिविटीज आपने कन्फाइन करनी है, स्पेशलाइजेशन डेवलप करनी है उसके अंदर, और उस स्पेशलाइजेशन के अंदर आपने ये मेक श्योर करना है दैट पीपल आर ओनली परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन। पीपल आर ओनली परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन, तो ये हम बात पहले भी करके आ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन की बात हमने पहले भी कर ली है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को यूनाइट करते हैं, उनकी आप जो वेयर अबाउट्स हैं और जो उसकी आपस में डिस्कशन है उनको आप थोड़ा सा बेहतर डेवलप करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करता है द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर से। पर से का मतलब है कि मतलब ये एक एक्सप्रेशन होता है कि एक इदारे का जो पर्पस जनरली डिफाइंड है, जो उसके गोल्स हैं, वो तो है ही है, इट विल एग्जिस्ट इसके अलावा एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पर्पस ऑफ द अंडरटेकिंग इज टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड दिस यूनिटी ऑफ एफर्ट। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक इदारे का मेन पर्पस तो है ही है, जो कि उसके गोल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा एक इदारे का ये पर्पस भी होना चाहिए कि उसने कैसे फैसिलिटेट करना है कोऑर्डिनेशन को, दस अचीविंग अ यूनिटी ऑफ एफर्ट। तो आप इस स्टेटमेंट को रीफ्रेज भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो रीफ्रेज दिस सेंटेंस। अथॉरिटी की बात हम पहले कर चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी कहीं ना कहीं पाई जाती है। जो मैंने आपको हायरार्की ड्रॉ करके दिखाई थी, उसमें टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटी थी। सेम गोज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब अथॉरिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट भी होती है, रिलेटिव भी होती है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर फॉर द एक्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट इज एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबॉर्डिनेट जो कुछ भी करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी उसके सुपीरियर पे आयद होगी। अब दिस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डिस्कस्ड दीस डेज। अब ये डिस्कस नहीं होता। अब हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिलेटिव है। सुपीरियर शुड नॉट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स एक्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं 150 साल पुरानी। उस वक्त ये कहते थे कि अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, फिर आपने सारी जिम्मेदारी खुद बेयर करनी है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाट योर सबॉर्डिनेट इज परफॉर्मिंग। आपका सबॉर्डिनेट क्या परफॉर्म कर रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेशन की बात हमने पहले की थी ऊपर, जब हमने स्केलर चेन की बात की थी। ये स्केलर चेन वाला कॉन्सेप्ट है कि हर पोजीशन का कंटेंट डिफाइन होता है, ड्यूटीज डिफाइंड होती हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंटेम्पलेट कर रही होती हैं, दे आर वेरी क्लियरली डिफाइंड। अगेन चूंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है और साइंटिफिक मैनेजमेंट डिबेट करती है क्लैरिटी के ऊपर, तो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इन राइटिंग होनी चाहिए। इन राइटिंग से क्या मुराद है? कहीं ना कहीं आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर पढ़ा होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए। अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अपनी वेबसाइट पर डाल देती हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेफिनेशन। कॉरेस्पॉन्डेंस, अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस में और कोऑर्डिनेशन में फ़र्क होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ ब्रॉडर वर्ड। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि आप लोगों के वेयर अबाउट से आगाह हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, यू नो एवरीथिंग, ये कोऑर्डिनेशन है। दैट इज़ वेल कोऑर्डिनेटेड, दैट इज़ नोन एज वेल कोऑर्डिनेटेड। तो कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि आपको वेयर अबाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के, यू नो दैट वेयर पीपल वर्क, हाउ आर दे वर्किंग, व्हाट आर दे वेयर अबाउट्स। कॉरेस्पॉन्ड वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉस को ईमेल लिखते हैं और वो आपको उसका रिप्लाई करता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। कॉरेस्पॉन्डेंस हैज अ नैरो स्कोप, कोऑर्डिनेशन हैज अ ब्रॉडर स्कोप। दोनों के बैक एंड पे कम्युनिकेशन पाई जाती है, दोनों के बैक एंड पे
there is communication. Correspondence is also dependent on communication, and coordination is also dependent on communication. Correspondence ke piche bhi communication hoti hai aur coordination ke piche bhi communication hoti hai. अभी तो कितनी बातें की हमने. मेजॉरिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट बाय फेयोल और बाय टेलर वन वे और द अदर. मेजॉरिटी बातें हो चुकी. दिस इज समथिंग न्यू. स्पैन ऑफ कंट्रोल. अर्विक ने इस फिनोमेना को डिस्कस किया था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है दैट इज द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू वन डायरेक्ट सुपरवाइजर और बॉस. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग एक इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करते हैं ये उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है. ठीक. अगर आप चार लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल चार है, फोर है. अगर आप दस लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं यस यू कैन से कि कॉरेस्पॉन्डेंस अगर होगी तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी. बट वी कैन इवन कोऑर्डिनेट विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग. ये भी पॉसिबल है कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस के बगैर कोऑर्डिनेट कर लें. कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ये वन ऑन वन होती है. फॉर एग्जांपल इसकी ऐसी मिसाल है कि चार दोस्तों ने कहीं गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाया. अब उनमें से एक इंडिविजुअल जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा. इसमें तो बारी बारी सबको कॉल करेगा, पूछेगा हाँ अभी कहाँ पे होगा बारे में. अब इस प्रोसेस में आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग अप द वेयर अबाउट्स ऑफ एवरीबॉडी. ओके ये कोऑर्डिनेशन कह रहा है. अब इस प्रोसेस में वन ऑन वन, अब एक फॉर एग्जांपल एक दोस्त जो है वो लेट है, लेट से आपको पता है कि वो घर से निकल चुका है, ये कोऑर्डिनेशन है. अब बाकी चारों वेट कर रहे हैं, पांचवा नहीं आ रहा. अब आप क्या करते हो, आप कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. आप उसे फ़ोन करेंगे हाँ भाई कहाँ पहुँच गए, वो आपको बताएगा यहाँ पहुँच गया. फिर दस मिनट उसे दोबारा कॉल करेंगे कहाँ चले गए. ये कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही. तो कॉरेस्पॉन्डेंस एक टू एंड थ्रू प्रोसेस है. आई बात समझ. It is a to and fro process. That is known as correspondence. Span of control means how many individuals report to one immediate boss. ये इसका span of control कराते हैं. अरविंद ने कहा था कि ideal case scenario में span of control should be no more than 5 or 6 direct subordinates. अब वैसे ये span of control जो है वो challenge हो चुका है. Now we don't work in on this span of control. अब हम इस span of control को challenge करते हैं. ठीक. अब हम कहते हैं कि नहीं, span of control ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अब technology है, अब आपके पास computers हैं, internet है. So अब हम wider span of control से काम करते हैं. पहले कहते थे कि span of control जो है it must not be more than 5 or 6. अब कहते हैं कि span of control can be even more than 10. इक्विटी की बात की थी फ्योल ने, ये बैलेंस की बात करता है. सेम कॉन्सेप्ट है. वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कैप्ट इन बैलेंस. वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कैप्ट इन बैलेंस. यूनिट से यहाँ मुराद इंडिविजुअल भी हैं और यूनिट से यहाँ मुराद डिपार्टमेंट्स भी हैं. ठीक है. फ्रॉम हेयर द यूनिट्स मीन इंडिविजुअल एंड दे ऑल्सो मीन डिपार्टमेंट. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज, तो ये दो पॉइंट जो है ये अरविक की कॉन्ट्रीब्यूशन है. बाकी सारे पॉइंट्स ओवरलैपिंग है, फ्योल की थियरी में कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं टेलर में या फ्योल में. ये जो दो पॉइंट्स हैं ये अरविक की स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो पहले डिस्कस नहीं हुए. कॉन्टीन्यूटी. देखिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. Reorganization. You organize and then you reorganize. You manage and then you again manage. So reorganization jo hai, that is a very continuous process. Like aap har dafa plan karte hain, aap har dafa coordinate karte hain, aap har dafa communicate karte hain, lead karte hain, command karte hain, control karte hain. That is what we call as continuity. फिर आप एक दफ़ा जब गोल अपना अचीव कर लेते हैं फिर आपको रियलाइज होता है कि इसमें तो गैप है, अभी इसमें लूप होल्स हैं. यू अगेन प्लान, यू अगेन गो फॉर इट. इसे कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन या इसे कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था
अरबी की थ्योरी अभी तक एग्जामिनेशन में आई नहीं है, आने के चांसेस हैं. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. ठीक है, अरबी की जो थ्योरी है ये एग्जामिनेशन में आ सकती है, अभी तक आई नहीं है, बट इसके आने के चांसेस बड़े वसी हैं क्योंकि इट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड सो फार. अरबी के बाद हम जंप करने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट लेट मी जस्ट पुल अप द बोर्ड. उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं ब्यूरोक्रेसी का. ब्यूरोक्रेसी की तरफ दो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, एक है मैक्स वेबर और एक है रोजमेरी स्टीवर्ट. मैक्स वेबर ने दुनिया को ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से मुतारिफ करवाया था. मैक्स वेबर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये बेसिकली एक इदारे को चलाने का नाम है. डेफिनेशन का मतलब होता है हर चीज़ डिफाइंड है, रोल्स क्लियर हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं, जो हमने ऊपर बात की थी स्केलर चेन में. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट एज स्केलर चेन ऑफ योर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन ऑफ कमांड, रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर. तो जितनी आपकी लाइन ऑफ कमांड क्लियर होगी उतनी आपकी जॉब जो है वेल डिफाइंड होंगी. ओके, सो वेबर टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेसी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वेबर बेसिकली एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, ही वाज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, और इसने दुनिया को ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्यूरोक्रेसी का. दो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट, वेबर एंड स्टीवर्ट, रोजमेरी स्टीवर्ट एंड मैक्स वेबर. वेबर की थियोरी के तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. पहला, इसने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. दूसरा, इसने डिस्कस किया अथॉरिटी को, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. और तीसरा, इसकी थियोरी के ऊपर कुछ सम क्रिटिसिज्म, कुछ तनकीद भी की गई इसकी थ्योरी के ऊपर. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टरिस्टिक्स और अथॉरिटी पे क्वेश्चन आ चुका है अभी तक. वेबर हैज बीन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड थ्योरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर की सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली थ्योरी है. इसके बरक्स रोजमेरी स्टीवर्ट की थ्योरी के दो हिस्से हैं. एक, रोजमेरी स्टीवर्ट ने फीचर्स डिस्कस किए, ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरा, इसने रीजन डिस्कस किए, द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी ग्रोथ की वजूहत क्या है. तो रोजमेरी स्टीवर्ट जो है इसकी थ्योरी के भी दो पोर्शन है, पहला पोर्शन फीचर्स और दूसरा पोर्शन रीजन फॉर ग्रोथ. तो हम बारी बारी दोनों थ्योरीज को देखेंगे. लेट फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी. वेबर डिफाइन करते हैं ब्यूरोक्रेसी को कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नाम है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी जो है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच ह्यूमन एक्टिविटी इज रैशनलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. तो दो चीजें देता है इसमें, दो कीवर्ड्स हैं. कहता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है दिस इज ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अडॉप्टिंग सच एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी रैशनलाइज हो जाए. रैशनलाइज से क्या हो रहा है, एफिशिएंट हो जाए, मोस्ट एफिशिएंट हो जाए, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुनियाद है, जो कि उसका क्रक्स है. और दूसरी चीज़ ये कहता है ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाए, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाए. वेबर ने इस कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और आज 150 साल गुजरने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी जो है ये बड़ा एक्सेप्टेड फिनोमेना है. सो ही स्टडीड द ग्रोथ इन नंबर एंड ऑफ साइज एंड पावर ऑफ लार्ज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. वेबर के मुताबिक डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच ह्यूमन एक्टिविटी इज रैशनलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. रैशनलाइज से क्या मुराद है, एफिशिएंट हो जाना, कोऑर्डिनेटेड से क्या मुराद है, उसके अंदर क्लैरिटी आ जाना, उसके अंदर चीजों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाना, बेहतर हो जाना.
वेबर के मॉडल के मुताबिक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी. यानी अगर किसी भी इदारे ने ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करना है तो उसे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने पड़ेंगे. एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसने ब्यूरोक्रेसी को अडॉप्ट करना है उसे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने पड़ेंगे. और ये आप गौर फरमाएंगे अभी तो ये 6 के 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर प्राइमरली सपोर्टिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल पहला फीचर देता है वेबर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी. सो देयर हैज टू बी अ क्लियर चेन ऑफ कमांड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द वर्कर एट द बॉटम. ऑफिसेज मींस मैनेजमेंट पोजीशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड मस्ट बी रैंक इन अ हायरार्किकल ऑर्डर. चेन ऑफ कमांड क्लियर होनी चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाती है फॉर एग्जाम्पल, और डिसीजन जो है वो ऊपर से नीचे आते हैं. मेनली आपने पढ़ा है ना बिजनेस कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन फ्लोज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. द मोस्ट फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज द वर्टिकल वन टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप. ठीक. तो पहला पॉइंट जो वेबर कहता है कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है. दूसरा ये कहता है कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी इज इम्पर्सनल एंड इम्पार्शियल. आइडियल ब्यूरोक्रेसी इम्पर्सनल होती है. इम्पर्सनल से क्या मतलब है कि आपका अपना पर्सनल इम्पैक्ट आपके वे ऑफ डूइंग थिंग्स से खत्म हो जाता है. इम्पर्सनैलिटी आती है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटी से. अगर क्लियरली पता हो कि जॉब में क्या करना है तो वो जॉब कोई भी आके परफॉर्म कर ले उसकी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा. इतना पड़ेगा जरूर लेकिन इतना नहीं पड़ेगा. ठीक है. इम्पार्शियलिटी आती है अनबायस होके. इम्पार्शियल कहते हैं अनबायसनेस को. क्या आप बायस नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपके ऑपरेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज हैं. ठीक है. देर शुड बी अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर. ये तमाम चीज़ें मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दो चीज़ें पैदा कर देती हैं, इम्पर्सनैलिटी एंड इम्पार्शियलिटी. देन द रूल्स ऑफ कंडक्ट मस्ट बी वेरी क्लियरली रिटन. डूज एंड डोंट्स. रूल्स कहते हैं डूज एंड डोंट्स. क्या करना है और क्या नहीं करना है. डूज एंड डोंट्स मस्ट बी क्लियर. तो चौथा जो फीचर है या चौथा कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का वो कहता है कि हर चीज का एक कायदा होता है, एक रूल्स सिस्टम होता है, वो डिफाइन होना चाहिए. इनफैक्ट दिस इज द बैकबोन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी की बैकबोन ही कवानीन होते हैं, कवायद होते हैं. अगर कवायद नहीं होंगे तो ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी. द फोर्थ प्रिंसिपल सेज दैट प्रमोशन थ्रू अचीवमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप लोगों को प्रमोट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, तो अचीवमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए. आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर पे ऑपरेट करते हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस का महकमा है या आर्मी की मिसाल ले लेते हैं. अब मिलिट्री के अंदर क्या होता है कि रैंक्स बड़े क्लियरली डिफाइंड है ना. अगर आपकी फैमिली में या कोई जानने वाला अगर मिलिट्री में है तो पता होगा आपको कि वो बड़े क्लियर रैंक होते हैं कि पहले सबसे पहले आप लेट सपोज लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर उसके बाद आप कर्नल होते हैं, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, फिर उसके बाद आप मेजर होते हैं, फिर उसके बाद एक क्लियर हायरार्की जो है वो डिफाइंड है. एग्जैक्टली. परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पनिशमेंट. पनिशमेंट तो नहीं खैर कह सकते, पनिशमेंट इज समथिंग डिफरेंट. हाँ लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होती है. और फिर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के आप लॉन्ग कोर्स करते रहते हैं और आप प्रमोट होते रहते हैं. यू गेट प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर अचीविंग. पांचवा पॉइंट कहता है आइडियल ब्यूरोक्रेसी का, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं बड़ा क्लियरली, डिवीजन ऑफ वर्क एंड वर्क स्पेशलाइजेशन. वेरी सिंपल. आइडियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर वर्क स्पेशलाइजेशन पाई जाती है, डिवीजन ऑफ वर्क पाया जाता है. टास्क का डिवाइडेड अमंग स्मॉलर पोर्शंस अमंग द पीपल. सो देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर एंड देयर इज वर्क स्पेशलाइजेशन. और आखिरी पॉइंट भी साइंटिफिक मैनेजमेंट को जस्टिफाई करता है. आइडियल ब्यूरोक्रेसी विल अचीव एफिशिएंसी इन ऑपरेशन. अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ वर्क से और वर्क स्पेशलाइजेशन से आप क्या अचीव करेंगे, आप एफिशिएंसी को अचीव करेंगे. यू विल अचीव द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन योर ऑपरेशन. तो आपके जो ऑपरेशन हैं वो एफिशिएंट हो जाएंगे, आपके जो वेज ऑफ डूइंग थिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो ये 6 जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करते हैं ब्यूरोक्रेसी को और ऑर्गेनाइजेशन के वे ऑफ डूइंग थिंग्स को. ठीक. सो दिस इज हाउ ways of doing things are defined in organization. So
So these are six characteristics जो भी हमने डिस्कस की हैं. पहला हमने देखा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ये कीवर्ड्स आपको हर पॉइंट के पता होने चाहिए. पहला हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, दूसरा इम्पर्सनैलिटी इम्पार्शियलिटी, तीसरा रूल्स ऑफ कंडक्ट, देन द फोर्थ वन प्रमोशन थ्रू अचीवमेंट, then the fifth one division of work or work specialization, and the sixth one efficiency in operations which is the outcome of scientific management. ठीक है, तो ये छह के छह पॉइंट्स हम पहले पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं. ओके, वेबर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वर्ड अथॉरिटी. वेबर बहुत इंटरेस्टेड था इस लफ्ज में जिसे अथॉरिटी कहते हैं. अथॉरिटी को हमने पहले भी डिफाइन किया था. अथॉरिटी कहते हैं द कैपेसिटी टू गिव ऑर्डर एट द वेरी बेसिक लेवल. अथॉरिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू गिव ऑर्डर, इसे कहते हैं अथॉरिटी. आपके पास कितनी अहलियत है हुक्म देने की, ऑर्डर देने की, टू गेट द थिंग्स डन ऑब्वियसली. बट दो कंडीशंस होती हैं अथॉरिटी के अंदर. जो ऑर्डर्स आप दे रहे हैं, जो ऑर्डर्स आप दे रहे हैं, दे हैव टू बी जस्टिफाइड एंड दे हैव टू बी लेजिटिमेट. जस्टिफाइड से क्या मुराद है? दे मस्ट बी लॉजिकल, उसमें लॉजिकल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए. और लेजिटिमेट से क्या मुराद है? दे मस्ट नॉट बी चैलेंज्ड, चैलेंज ना हो सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बॉस कोई आपको ऑर्डर देता है तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते. हाँ, लेजिटिमेट, लीगल, लीगल और लेजिट में स्लाइट सा डिफरेंस है. सर अभी आप कह सकते हैं लेजिटिमेट इज लीगल बाय लॉ. ठीक, बाय लॉ आपके पास आ, मतलब मेरे पास इस क्लास में अथॉरिटी है कि मैं आपको बीएमबीएस के ऊपर कुछ भी गाइड करूं तो आप उसे मानेंगे, क्योंकि मेरी अथॉरिटी जस्टिफाइड भी है, लॉजिकल भी है. Like I might be more experienced, I have more knowledge, और मेरी जो अथॉरिटी है वो legitimate भी है, legit भी है. ठीक है, अथॉरिटी और पावर में यही फर्क होता है कि पावर जो है वो बाज दफा coercive भी होती है. पावर जो होती है बाज दफा वो कोअर्स करती है, पुश करती है, जबरदस्ती वाला फिनोमेना आ जाता है. ठीक है ना, पनिशमेंट भी आ जाती है. अथॉरिटी इज समथिंग पॉजिटिव. अथॉरिटी इज समथिंग कि आप किसी को किसी से काम करवा रहे हैं और उसमें उसकी विल भी शामिल है. और वो विल कहाँ से आ रही है? व्हेन ही विल एक्सेप्ट कि अथॉरिटी जस्टिफाइड भी है और लेजिटिमेट भी. तो वेबर ने कहा था कि अथॉरिटी जो है वो तीन किस्म की होती है. वेबर वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि हाउ डू पीपल ड्रॉ अथॉरिटी, लोग कैसे ड्रॉ करते हैं अथॉरिटी को, दूसरों से काम कैसे करवाते हैं. तो वेबर के मॉडल के मुताबिक जो अथॉरिटी है वो तीन टाइप की होती है. द फर्स्ट टाइप इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी. ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है ये प्री डेट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी में पाई जाती है. फॉर एग्जांपल, जैसे ये किंगडम सिस्टम है, लेट्स से बादशाहत का जो निज़ाम होता था कभी. ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे ये किंगडम सिस्टम में जो अथॉरिटी है वो एक ही रॉयल फैमिली में ट्रेवल करती है. द अथॉरिटी ट्रेवल्स इन रॉयल फैमिली. And when the king will die, the prince will be the new king. ठीक है, अभी भी आप देखें तो बहुत सारे ममालिक में दो डिफरेंट किस्म के सिस्टम मौजूद हैं. डेमोक्रेसी भी है, जमहूरियत भी है. जैसे टॉक अबाउट यूके, यूके में यू विल फाइंड डेमोक्रेसी एंड यू विल फाइंड किंगडम सिस्टम बोथ. सऊदीया में आप देखें प्योर किंगडम सिस्टम है. ठीक, ठीक है ना, शाह फैसल, फिर आगे उसके ऑफ स्प्रिंग, उसके बच्चे आगे. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो एक ही फैमिली में मूव करती है. और हाँ, एग्जैक्टली, ब्रुनाई में भी है, बहरेन में भी है, बिल्कुल, किंगडम ऑफ ब्रुनाई. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रेडिशनल अथॉरिटी. सो वेबर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग वॉट इज अथॉरिटी.
वेपन ने डिफाइन किया कि अथॉरिटी क्या होती है, गेटिंग द थिंग्स डन बाय गिविंग ऑर्डर्स एंड हैविंग दोस ऑर्डर्स एक्सेप्टेड एज जस्टिफाइड, ये कीवर्ड है जस्टिफाइड एंड लेजिटिमेट। इसने कहा कि अथॉरिटी और पावर में फर्क होता है, पावर जो होती है दैट इज समथिंग इन विच यू कैन यूज फोर्स और कैन पनिश। तो वेबर ने कहा कि अथॉरिटी तीन किस्म की होती है, द फर्स्ट टाइप ही टॉक्ड अबाउट वॉज ट्रेडिशनल वेयर द अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन प्रीमीडिएट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जिसमें हेरिडिटरी जो पावर है वो रॉयल फैमिलीज में और चीफ्टन्स में होती है, जिसमें लीडरशिप ऑटोमेटिकली फादर के सन में आ जाती है। दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज नाउ बीइंग वेरी मच निगलेक्टेड और निगेटेड, इसलिए काफ़ी कम हो गई। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, ये अथॉरिटी है वेबर की ब्यूरोक्रेसी की, रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल है क्यों, क्योंकि क्लियर गोल्स और एफिशिएंसी को अचीव कर रही है, जैसा भी हमने ऊपर डिफाइन किया रैशनल को, और लीगल है क्योंकि इम्पार्शियल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से आई है, मैनेजमेंट पोजीशन जो है वो एक बड़े ट्रांसपेरेंट सिस्टम से आई है और बाय लॉ आई है, तो दोनों चीजें आ जाती हैं, रैशनल भी है और लीगल भी है। एंड दिस इज द जी जी अब आ रही है आवाज, कैन यू हियर नाउ? ओके आई गेस इसकी बैटरी लो हो रही है मेरे हेडफोन की, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट दीजिए। ओके तो मैं ये कह रहा था कि वेबर की जो अथॉरिटी है ये रैशनल है क्योंकि ये बेस करती है क्लियर गोल्स के ऊपर एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, और लीगल है क्योंकि ये impartial system से developed है, okay? Charismatic authority, the next authority we ever talks about is charismatic authority. Charisma basically एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। हाँ, exactly. Traditional authority में individuals are more important. Rational legal authority में position is more important. Individual is not important. Traditional authority के अंदर जो individual होता है वो important होता है। जबकि रैशनल लीगल में चूंकि अथॉरिटी आपकी कुर्सी से आपको मिल रही होती है, आपकी पोजीशन से आपको मिल रही होती है, तो आपकी जो अथॉरिटी है वो आपकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, ना कि आपकी पर्सनालिटी पे या आपकी फैमिली पे, बल्कि इनफैक्ट ट्रेडिशनल अथॉरिटी में फैमिली इंपॉर्टेंट है, रैशनल लीगल अथॉरिटी में इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, और क्रिज्मेटिक अथॉरिटी में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। लेट अस पुट इट दिस वे, क्योंकि ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर एक ही फैमिली में मूव कर रही है ना अथॉरिटी, तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैशनल लीगल के अंदर इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। रैशनल लीगल अथॉरिटी इज द अथॉरिटी दैट इज बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड पे बेस करती है, आपकी पोजीशन से। फॉर एग्जाम्पल मुझे हायर किया है ना पैक ने ये कोर्स पढ़ाने के लिए, तो आई हैव रैशनल लीगल अथॉरिटी टू गाइड यू पीपल, टू डायरेक्ट यू पीपल। रैशनल क्यों है, क्योंकि मैंने एफिशिएंसी को अचीव करना है। लीगल क्यों है, क्योंकि मुझे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से हायर किया गया है, बिकॉज आई एम हायर्ड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ये डिफाइन करता है लीगल को, इम्पार्शियल सिस्टम को। और चूंकि ये अथॉरिटी हायर एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए डेवलप की जाती है, तो ये डिफाइन करती है रैशनैलिटी को। क्लियर? करिश्मा, करिज्मा एक यूनानी जबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है। करिज्मा कहते हैं गिफ्ट को, तोहफे को। करिज्मा जो है ये आपकी पर्सनालिटी का होता है, यू हैव करिज्मा ऑफ योर पर्सनालिटी। यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनल क्वालिटीज को प्रैक्टिस करते हैं दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपको मिलती है सेलिब्रिटीज की, टीवी कमर्शियल्स आप देखते होंगे। Why do they hire celebrities in TV commercials? Television ads में celebrities ही क्यों होती हैं? क्योंकि हम celebrities को हम inspire होते हैं उनसे, ठीक है? हम idealism पे चले जाते हैं ना? तो charismatic authority जो होती है, that is the authority of personality. हाँ, leaders actually practice charismatic authority. ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि managers को अच्छा leader भी होना चाहिए, कि manager rational legal authority तो practice कर ही लेगा,
बट आइडियल केस सिनेरियो होता है जब एक मैनेजर लीडर भी है और रैशनल लीगल अथॉरिटी के साथ साथ वो करिज्मेटिक अथॉरिटी को प्रैक्टिस करने की भी पोजीशन में है. ओके, लाइक इफ यू आर अ मैनेजर ओनली बट नॉट अ लीडर, इट मींस दैट यू कैन ओनली प्रैक्टिस रैशनल लीगल अथॉरिटी बट पीपल माइट नॉट बी इंस्पायर्ड बाय यू. करिश्मा इज लाइक अ मैग्नेट, पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू. और ये गिफ्टेड होता है, ये कुछ कुछ करिश्मा आप डेवलप भी करते हैं वैसे, लेकिन कुछ करिश्मा गिफ्टेड भी होता है. इसमें वैसे अभी डिबेट चल रही है, इसमें अभी बहुत डिबेट चल रही है. और वो डिबेट ये है, आगे जाके पढ़ेंगे 8th चैप्टर में, कि क्या लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स और आर दे मेड वन. क्योंकि लीडर्स में करिश्मा होता है, तो अल्टीमेटली फिर क्वेश्चन ये आइज होता है कि क्या करिश्मा बाय बर्थ होता है या करिश्मा जो है वो डेवलप किया जाता है. तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि नहीं, करिश्मा जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ योर एग्जिस्टेंस होता है. आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां बाय बर्थ होती हैं जो आपको करिश्मेटिक बनाती हैं. नहीं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. करिश्मा जो है वो डेवलप किया जाता है. इट कैन बी पॉलिश्ड थ्रू नॉलेज, थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, डिफरेंट वेज में. ठीक है, सो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बोथ माइट बी करेक्ट, वो बात की बात है. एनीवे, सो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं. अच्छा, करिश्मेटिक अथॉरिटी में दो इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स होते हैं. एक फीचर है कि करिश्मेटिक अथॉरिटी जो है वो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती है. जब तक इंडिविजुअल रहेगा अथॉरिटी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रैशनल लीगल अथॉरिटी है ना, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती, वो पोजिशन पे डिपेंड करती है. उस पोजिशन पे कोई भी आ जाएगा तो वही अथॉरिटी प्रैक्टिस करेगा. जैसे पुलिस की मिसाल ले लें, एक पुलिस स्टेशन का SHO है, ठीक है, स्टेशन हेड ऑफिसर है. अब वो अथॉरिटी प्रैक्टिस करता है. उस कुर्सी पे कोई भी बंदा SHO लग के आ जाएगा, वो सेम अथॉरिटी प्रैक्टिस करेगा. ओके, लेकिन अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की, तो सेलिब्रिटीज जो हैं वो पर्सनल लेवल पे करिश्मेटिक अथॉरिटी को प्रैक्टिस करते हैं ना. वो जब तक सेलिब्रिटी रहेगा करिश्मा रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो करिश्मा भी खत्म हो जाएगा. तो नंबर वन. नंबर टू, करिश्मेटिक अथॉरिटी जी आ रही है आवाज, अब बेहतर है. आई एम सॉरी, ये एक तो हेडफोन की ना बैटरी लो है एंड आई एम नॉट हैविंग एनी हेडफोन है. ओके, चलो आई विल मेक श्योर कि उसकी बैटरी ना बंद हो. तो करिश्मेटिक अथॉरिटी जो है वो अनस्टेबल होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है. मींस पर्सन टू पर्सन उसका इम्पैक्ट वेरी करता है और शॉर्ट लिव्ड भी होती है. शॉर्ट लिव्ड से मुराद ये है वक्ती होती है. जैसे मैंने कहा कि आज आपको एक सेलिब्रिटी पसंद है, शायद कल ना पसंद हो, ये शॉर्ट लिव्ड है. वेबर वॉज वेरी मच पॉजिटिव अबाउट ब्यूरोक्रेसी. वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इदारे हमेशा रहेंगे, ग्रो करेंगे नंबर में और साइज में, और जब जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगी ब्यूरोक्रेसी भी ग्रो करेगी. क्योंकि वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक रैशनल ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल प्रेजेंट करती है, जिसमें आप कोऑर्डिनेट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को. ठीक है ना. However, bureaucracies lead to depersonalize the work. This is something which is bad. लेकिन हो सकता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा करने की कैपेसिटी हो. Might be possible कि मैं अपनी current जो statement of duties हैं उससे मैं बढ़ के कुछ कर सकूँ. लेकिन आपने मुझे चूंकि इतना ज़्यादा bound कर दिया है, तो मेरा काम अब depersonalize हो गया. Means मेरा अपना impact मेरे काम पे ख़त्म हो गया. Just imagine के BMBS की ऑनलाइन क्लास में टीचर को स्टूडियो में आने से पहले एक स्क्रिप्ट दे दिया जाए कि आपने यही बोलना है, यही आपने वर्ड्स यूज करने हैं, ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, आपने स्मार्ट बोर्ड ऐसे यूज करना है, एक एक चीज़ मुझे स्पून फीड कर दी जाए, तो मेरी अपना जो मेरा अपना इम्पैक्ट है मेरे काम पर वो ख़त्म हो जाएगा ना. दिस इज वॉट वी कॉल एज डीपर्सनलाइजेशन. ठीक है, इसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन. जबकि ऐसा नहीं होता ना, आई हैव लिबर्टी टू टेक द क्लास अलॉन्ग एट माई पेस. मैं जैसे मर्जी क्लास को लेके चलूँ, जिस तरह मर्जी हैंडल करूँ क्लास को, दैट इज माई डिसीजन. ठीक है ना, सो दैट इज वेयर देर इज नो डीपर्सनलाइजेशन. सो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम कहते हैं कि हम काम को डीपर्सनलाइज कर देते हैं. ब्यूरोक्रेसी को इनफैक्ट बहुत सारी तनकीद का भी सामना करना पड़ा. ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हम तीन किस्म की तनकीदें करते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक कहते हैं रेड टेप मैनेजमेंट. रेड टेप का मतलब होता है, आपने कभी फिल्मों में देखा हो ना कि कभी वो क्राइम सीन होता है कोई, तो उसके इर्द गिर्द वो एक टेप की बाउंड्री लगा देते हैं, जैसे नो गो एरिया कहते हैं. ठीक है ना, ये रेड टेप होती है.
यानी ये एरिया जो है इससे बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर कोई उस एरिया के अंदर है, फॉर एग्जांपल डेड बॉडी पड़ी हुई उस एरिया के अंदर, तो उसे आप उस एरिया से रिमूव नहीं कर सकते, और जो उस एरिया के बाहर खड़ा है वो उस एरिया के अंदर नहीं आ सकता, इसे हम रेड टेप कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी की नेचर में ये चीज़ शामिल है कि आप इतने सख्त कवानीन बना देते हैं, आप इतने यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को इम्पोज कर देते हैं कि फिर रेड टेप मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। रेड टेप मैनेजमेंट से मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबिलिटी से कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, एंड दैट इज समथिंग वेरी बैड। पेन पुशिंग होती है, पेन पुशिंग से क्या मुराद है, हर चीज जो है वो इन राइटिंग होती है। पेन पुशिंग मीन्स के लिखे बगैर, राइटिंग सिग्नेचर के बगैर कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की, तो मैंने बॉस से कहा कि जी मुझे लीव चाहिए, तो बॉस ने कहा जी कि ऑनलाइन जाओ वेबसाइट से लीव एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके मुझसे साइन कराओ, बॉस साइन करके एचआर डिपार्टमेंट भेजेगा, एचआर वाले से साइन करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट आगे उसे भेजेगा डायरेक्टर के पास, वो साइन करेगा, इतनी देर में मैं शायद कह दूँ कि भाई मुझे छुट्टी ही नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट एक्चुअली नीड अ हॉलीडे और वेकेशन, ठीक है ना। इसे कहते हैं पेन पुशिंग। इसके बरक्स एक इदारे में क्या होता है, अगर एम्प्लॉई ने छुट्टी करनी है तो वो सिंपल एक व्हाट्सएप मैसेज कर देता है अपने बॉस को कि जी मैं आज नहीं आ रहा। बिल्कुल पेन पुशिंग से चीज़ें फॉर्मल हो जाती हैं। एग्जैक्टली असलम कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं, बिल्कुल पेन पुशिंग से फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। और ब्यूरोक्रेसी चूंकि पेन पुशिंग है, दैट इज अ वेरी बैड थिंग, अ हाईली फॉर्मल थिंग। और तीसरा है सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, सोल डिस्ट्रॉइंग, याद करें टेलर की तनकीद जो हमने पढ़ी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डीमोरलाइजेशन हो जाती है, एक ही काम बार बार करके आप मोनोटोनस हो जाते हैं, रेपिटेटिव वर्क हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोल डिस्ट्रॉइंग वर्क, यानी आपकी अपनी कैपेसिटी खत्म हो गई ना, आपको खुद कुछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग एट योर ओन विल, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द थिंग्स अलॉन्ग एट योर ओन विल, इसे सोल डिस्ट्रॉइंग कहते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा तनकीदें होने के बावजूद आज के दौर में भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल ब्यूरोक्रेटिक, लार्ज जो इदारे हैं वो अभी भी ब्यूरोक्रेटिक हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर आप मिसाल लें तो ये चलती ही ब्यूरोक्रेसी से हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी चाहिए होती है, इनको इम्पार्शियल रूल्स चाहिए होते हैं, इनको प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं। तो वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आज के दौर में भी वैलिड है, ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो जो इदारे ग्रो करते हैं लार्जर साइज में आते हैं तो आपको ब्यूरोक्रेसी आपकी नीड बन जाती है, इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इट बिकम्स अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर यहाँ तक, एनी क्वेश्चन सो फार? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक अथॉरिटी पे और एक उसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। करेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन दो दफ़ा आ चुका है, अथॉरिटी की टाइप्स पे एक दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, तो ओवरऑल थेरी जो है वो तीन दफ़ा टेस्ट हुई है पेपर में, एंड दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड थेरी ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर में सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाली थेरी ब्यूरोक्रेसी ही है। ब्यूरोक्रेसी वेबर के कॉन्सेप्ट को रोजमेरी स्टीवर्ट ने कैरी किया था। रोजमेरी स्टीवर्ट की थेरी के भी दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट इसके फीचर्स हैं, एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हियर, पहला पार्ट जो है स्टीवर्ट के वो इसके फीचर्स हैं हियर, और दूसरा पार्ट इसके रीजंस हैं, द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 9 मार्क्स में, सितंबर 2016 में आया था, सितंबर 2016 में रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी टेस्ट किया था एग्जामिनर ने। सो रोजमेरी स्टीवर्ट ने कहा, बेसिकली वेबर तो जर्मन था, उसने ये कॉन्सेप्ट जर्मनी में इनिशिएट किया, वहां से डेवलप हुआ। चीफ्टन कहते हैं हेड ऑफ हाउस होल्ड को, हेड ऑफ द फैमिली को, चीफ्टन कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली, चीफ्टन मीन्स हेड ऑफ हाउस होल्ड कह लें, हेड ऑफ फैमिली कह लें, चीफ समझ लेना, चीफ कहते हैं जैसे किसी बड़े को आप चीफ कहते हैं। सो रोजमेरी स्टीवर्ट जो है इसने कहा कि आपके ये ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स जो हैं, तो शी एक्चुअली अप्लाइड द फिनोमिना इन यूके,
और ये तकरीबन वही पॉइंट एक्सप्लेन करती है जो वेबर ने एक्सप्लेन किए थे, लाइक शी टॉक्ड अबाउट स्पेशलाइजेशन, लेकिन इन स्पेशलाइजेशन इसने कहा कि देर इज वर्क स्पेशलाइजेशन बट देर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉब स्पेशलाइजेशन. ठीक है, वर्क स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसने कहा इंडिविजुअल पे तो अप्लाई होता है, ऐसा होता है जॉब पे होना चाहिए कि आप जॉब को इतना स्ट्रक्चर करें ताकि कॉन्टिन्यूटी आ जाए ना, ताकि वो काम कोई भी करे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस है लाहौर में. अब एससी पुलिस की जॉब इतनी स्पेशलाइज्ड है, उसके टारगेट्स, उसके रोल्स इतने क्लियर हैं कि एससी पुलिस कोई भी बन जाए लाहौर में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी. सो इफ अ पर्सन लीव्स द जॉब एंड इफ इट इज फिल्ड बाय सम अदर पर्सन तो जॉब कॉन्टिन्यू रहेगी, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी. इसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. तो स्टीवर्ट ने स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जॉब पर डिस्कस किया था रादर देन ऑन द इंडिविजुअल. इससे पहले जो तीनों चारों थ्योरी हमने पढ़ी हैं सारी की सारी स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करती हैं इंडिविजुअल के ऊपर, कि एक काम एक इंडिविजुअल बार बार करेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी सेम कॉन्सेप्ट वेबर वाला, कोई डिफरेंस नहीं है. मैनेजमेंट और वर्कर्स में क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए. अथॉरिटी लेवल्स ऑफ अथॉरिटी रैंक्स डिफाइन होने चाहिए. वेबर ने भी कहा कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, लेकिन ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड जो है ये ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं करता. Jack of all trade doesn't work in bureaucracy. ठीक है, स्टीवर्ट ने कहा सिस्टम ऑफ रूल्स होना चाहिए, impersonal, impartial, efficient rules, efficient procedures होने चाहिए. ठीक है, सो दैट यू मस्ट नो what रूल्स आर अप्लाइड एंड हाउ टू डू अ जॉब सक्सेसफुली. उसने भी कहा impersonality, ये भी कह रही है impersonality होनी चाहिए. आपकी जो अथॉरिटी है और जो आपके रिवॉर्ड्स हैं दे मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर सेट ऑफ रूल्स, ताकि उसमें कंप्लीट इम्पर्सनैलिटी हो, इम्पार्शियलिटी हो और कहीं पे भी कोई आपको चैलेंज ना कर सके. प्रोसीजर्स और सिस्टम्स मस्ट बी हाईली ट्रांसपेरेंट. यू कैन वेरी क्लियरली सी कि स्टीवर्ट का जो मॉडल है वो मोर और लेस वेबर के मॉडल पे ही फॉल कर रहा है, एक्सेप्ट दिस वन पॉइंट. किसने स्पेशलाइजेशन को किसी और तरह से डिफाइन किया था, इसने कहा था कि स्पेशलाइजेशन इंडिविजुअल की नहीं होती, जॉब की होती. दैट इज वेयर शी डिफर्स, दैट इज वेयर शी वाज अ बिट डिफरिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से स्लाइटली डिफर किया था इसने. ठीक, क्लियर यहां तक? चलो, तो स्टीवर्ट के रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये फिर हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे अगर आप ज्यादा मोनोटोनस हो गए. दो चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ. एक तो इंशाल्लाह वेंसडे को, परसों लाइक, मैं पहली पांच थेरीज का एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा. टेस्ट का मैकेनिज्म आप सबको पता है, आपके LMS पे अपलोड होगा, आपके ईमेल में आ जाएगा. आप अटेम्प्ट करेंगे, कैम स्कैन से तस्वीर लेंगे और आप वापस उसको LMS पे अपलोड कर देंगे या उसे आप ऑनलाइन एड पैक को ईमेल कर देंगे. ये सारा प्रोसीजर मैं व्हाट्सएप पे दोबारा अनाउंस कर दूंगा. तो एक तो वेंसडे को मार्क कर लें, डे आफ्टर टुमारो यू आर गोइंग टू हैव टेस्ट ऑफ फर्स्ट फाइव थेरीज. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, क्लास टाइमिंग के हवाले से डिस्कस करनी है, लाइक कैन वी स्टार्ट आवर क्लास टुमारो एट 1:15, सवा एक बजे हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सवा एक बजे सब फ्री होते हैं. किसी को कोई इसमें कंसर्न, कोई एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम, एनी वन? थैंक यू सो मच. हाँ, वही सवा एक मीन्स 120, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वैसे भी 4-5 मिनट लग ही जाते हैं एडजस्टमेंट में, सेटिंग में, आवाज पहुंचने में. ऑडिट क्लास का टाइम है कितने बजे? टाइम टेबल में 1:15 बजे ऑडिट क्लास है आपकी? आई एम नॉट श्योर. साढ़े बारह से 1:30 बजे. अच्छा, चले 5-10 मिनट का लैग अगर आता है तो काइंडली मैनेज कर लीजिएगा. हाँ, एग्जैक्टली, फॉर द टाइम बीइंग कल के लिए ही है ऑब्वियसली. ठीक है, तो चूंकि मेरी कल एक कमिटमेंट है तो आई माइट हैव टू गो देयर एट 2:30. तो अगर आप 1:30 पे फ्री होते हैं ऑडिट वाले तो यू मे ज्वाइन. मतलब 5-10 मिनट में हमको इतना सच कोई लॉन्ग डिबेट वैसे भी नहीं होगी. ठीक है, so is it fine with all others? Sure.
ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। 5-10 मिनट जो है वो आप कवर कर लेंगे, आई एम श्योर वो आप रिकॉर्डिंग से बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप आपके पास है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये प्रिविलेज हासिल होता है कि उनके पास वो सोर्स है लर्निंग की जो रेगुलर स्टूडेंट के पास नहीं है। तो अगर आप थोड़े से सीरियस हैं, अगर आप में थोड़ी सी कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, तो यू कैन डू वंडर्स एंड यू कैन सिंपली थ्रैश रेगुलर स्टूडेंट। कि आप देखें आप कितना टाइम बचा रहे हैं, कम्यूटिंग टाइम विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्ट, टाइम कॉस्ट वो सेव हो रही है आपकी। फिर उसके अलावा आपको इसमें वैल्यू एडिशन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू फैकल्टी 24/7, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस योर क्वेरीज। तो हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू ये होता है कि ऑनलाइन का जो स्टूडेंट है वो अगर थोड़ा सा स्लैक कर जाए सीरियसनेस के ऊपर, तो फिर चैलेंज बढ़ जाता है। बट माशाल्लाह आप सारे समझदार हैं, तो अगर आप इसी समझदारी का मुजाहरा करते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस में आते रहेंगे, तो आई कैन अश्योर यू कि ये सब्जेक्ट आपका बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। और इनफैक्ट आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का प्रोडक्ट होंगे। वैसे AFC में आप में से किसी के पास है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट? एनीवन, किसी के पास AFC में सर्टिफिकेट है किसी सब्जेक्ट में? चलें, आई होप के इंशाल्लाह CAF 1, 2, 3 में आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट स्कोर करें। होपफुली जो आगे आप पढ़ रहे हैं, देखें एक्सीलेंस को टारगेट किया करें। द डे यू आर गोइंग टू टारगेट एक्सीलेंस, यू वुड बी ऑटोमेटिकली अचीविंग योर गोल्स। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का ICAP का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल है। उसका क्राइटेरिया ये है कि जितने पेपर आप उस अटेम्प्ट में दे रहे हैं, 2 या 3, मिनिमम 2 से कम, 1 पे नहीं देता ICAP, मिनिमम 2 पेपर या 3 पेपर जितने भी पेपर आप दे रहे हैं, एक तो आपको उन सब पेपर में पास होना है नंबर 1, और नंबर 2 यू हैव टू स्कोर द हाइस्ट मार्क्स एंड दैट हाइस्ट मार्क्स मस्ट बी 70+। यानी अगर वैसे ऐसा बड़ा रेयर होता है कि किसी स्टूडेंट मतलब ICAP 9 के 9 पेपर पे सर्टिफिकेट देता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में एक आधा स्टूडेंट तो इस काबिल होता है कि वो 70+ मार्क्स स्कोर करें। तो ऐसा हुआ नहीं आज तक कि ICAP ने कभी किसी सब्जेक्ट पे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ना दिया हो, आई एम नॉट श्योर, एटलीस्ट CAF की बात कर रहा हूँ। तो ये क्राइटेरिया है कि सारे सब्जेक्ट्स पास कर दें, जिस सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसमें आपके नंबर हाइस्ट भी हों और उसमें आपके 70+ हों। You have to try your best, everybody, not you alone Anisa, everyone has to try their best, ठीक है जी। So work hard, inshallah फिर बाकी रिवीजन करें, कोई question हो तो WhatsApp group पे आ जाएं। Wednesday को आपका स्टीवर्ट तक का टेस्ट होगा, ये स्टीवर्ट का बाकी पोर्शन हम इनशाला कल पढ़ लेंगे, तो स्टीवर्ट तक आपका टेस्ट scheduled है इनशाला Wednesday को, ठीक है। कोई और क्वेरी है, कोई और कंसर्न है, यू कैन कम टू WhatsApp टू डिस्कस। सी यू इंशाल्लाह टुमारो दिन। हम एक सवा एक 1:20 से स्टार्ट कर लेंगे। दोज़ हू हैव ऑडिट क्लास दे में जॉइन एट 1:30, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।